अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे घंटे के बटन को दबाएं, ताकि हम जब भी हमारे चैनल पर नया वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं GDS खबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में काम करने के लिए जो ग्रामीण डाक सेवक को मोबाइल डिवाइस दिया गया है उसमें जो नया ऐप आया है, यानी कि जो पोस्टमैन मोबाइल ऐप आया उसमें किस प्रकार से काम करना है, यानी कि अब ग्रामीण डाक सेवक को इसी ऐप की सहायता से रजिस्ट्री पार्सल जो जितने भी पंजीकृत डाक आती है वो इसी से वितरण करनी होगी। तो तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कि रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट को आप किस प्रकार से इसमें वितरण करते हैं करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको पोस्टमैन ऐप में लॉग इन हो जाना है। इसमें आपको ID और पासवर्ड दिए जाएंगे, तो वो ID और पासवर्ड आपको यहाँ फिल कर देना है। अभी आप हम यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं। तो उसके बाद उसको आपको होम पेज इस प्रकार से होम पेज मिलने वाला है। इसमें स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, पार्सल COD, पार्सल पोस्ट, बल्क डिलीवरी, रजिस्ट्री पोस्ट, डिलीवरी परफॉर्मेंस और अकाउंट, ये सभी इस प्रकार के होम पेज पे सभी ये तमाम जानकारी मिलने वाली है। बट अभी हम आपको स्पीड पोस्ट का किस प्रकार से डिलीवर करना है वह हम आपको बताने वाले। तो आपको स्पीड पोस्ट पर क्लिक करना है। तो उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इनवॉइस में ये दो अभी आर्टिकल आ रहे हैं हमारे, तो दोनों आप देख लीजिए। उसके बाद हम इस मॉडिफाई और इसके बाद एक व्यू, तीन ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम व्यू में कर लेते हैं कौन कौन से अपन रिमार्क डाल सकते हैं, वो तमाम रिमार्क आप इस वहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हम वापस इनवॉइस पर चलेंगे। तो इनवॉइस में हमारे पास दो आर्टिकल आ रहे हैं, तो हम एक पर क्लिक करते हैं। फर्स्ट वाले पे इसमें टेक रिटर्न पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। तो इसमें सेलेक्ट रिमार्क पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, हमें ये अभी डिलीवर्ड करना है। तो हम यहाँ डिलीवर्ड पर क्लिक करने वाले हैं। तो दोस्तों ये डिलीवर्ड पे हम अभी क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, इसके बाद आपको गेट सिग्नेचर का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। हम अभी इस पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद जो सिग्नेचर लेना है, जो कस्टमर है उसके सिग्नेचर लेना है, तो हम अभी एक सिग्नेचर ले लेते हैं। दोस्तों कभी भी गलती हो जाती है तो कैंसिल सिग्नेचर का ऑप्शन है, वहाँ पर आप कैंसिल कर इसको कैंसिल भी कर सकते हैं और वापस सिग्नेचर ले सकते हैं। सिग्नेचर लेने के बाद दोस्तों सेव सिग्नेचर पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस इस प्रकार से मिलने वाला है। उसके बाद थंब इंप्रेशन पर आप चाहे तो क्लिक कर थंब भी ले सकते हैं, बाकी कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो इनका नाम नाम आप जो चाहे जो जो उस रजिस्ट्री में जो नाम है वो जो अभी स्पीड पोस्ट है, तो स्पीड पोस्ट में जो नाम है वो यहाँ आप लिख सकते हैं। तो हम अभी यहाँ उनका नाम लिख देते हैं। तो उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक यहाँ से स्पीड पोस्ट डिलीवर्ड हो चुका है, रिटर्न ले चुके हैं हम उसका। तो आप तमाम देख सकते हैं अब रिटर्न यहाँ पर अंडो रिटर्न भी कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम होने पर। दोस्तों आप जो डिलीवर्ड का आप देख सकते हैं यहाँ डिलीवर्ड का आ रहा है। दोस्तों यहाँ GPS से लोकेशन भी ली जाएगी, तो आप डिलीवर्ड देख सकते हैं अभी डिलीवर्ड हो चुका है। स्पीड पोस्ट के बाद दोस्तों हम रजिस्टर्ड पोस्ट को किस प्रकार से वितरण करना है और डोर लॉक किस प्रकार से बताना है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड पोस्ट है उस पर क्लिक कर देना है, जो रजिस्टर्ड पोस्ट का आइकन हो रहा है उस पर क्लिक करना है। दोस्तों उसके बाद जितनी भी रजिस्टर्ड डाक है वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। इसके बाद टेक रिटर्न पर क्लिक करना है और सेलेक्ट रिमार्क, तो अभी हम डोर लॉक बताने वाले हैं, तो यहाँ डोर लॉक पर हमें क्लिक करना है। तो हम अभी उस पर क्लिक कर देते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों ये रजिस्टर डोर लॉक हो गया। इसके बाद वापस हम टेक रिटर्न पर क्लिक करते हैं। हम इसको अभी डिलीवर बताने वाले हैं। डिलीवर का प्रोसेस दोस्तों पहले बताया वह सेम है, यहाँ डिलीवर सेलेक्ट कर देंगे और जो सिग्नेचर है गेट सिग्नेचर पर क्लिक करना है और यहाँ फिर से हमें कस्टमर का जो सिग्नेचर ले देना है। उसके बाद सेव सिग्नेचर और उसके बाद वापस नीचे चलेंगे डिलीवर्ड और ये वहाँ ओके कर देना है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम जो रजिस्टर्ड डाक है उसको डिलीवर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों बताए गए तरीके के अनुसार आप भी जो स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक को पोस्टमैन मोबाइल ऐप से इस प्रकार से वितरण कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को तमाम ग्रामीण डाक से बाइक के साथ शेयर करना बिल्कुल ना।